बेसिकली इंटीरियर फुल ओपन है, कम्प्लीटली ओपन है। यहाँ तक कि ये जो फ्लोर में लैमिनेशन किया है ना, ये लैमिनेशन भी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। इसका जो कारपेट दिया है, कारपेट भी रिप्लेस करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो कारपेट है, कारपेट कोई रिप्लेस नहीं करता है, ये कारपेट भी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग वर्क है, आप देखते रहिए वीडियो में। स्टेजिंग का लेदर रैप होने वाला है, डोर में डैम्पिंग होने वाला है, ओवरऑल आप पूरा साउंड प्रूफ करके जो डैम्पिंग होगा। इंटीरियर जो सीट कवर, इसमें आपको एक भी सीट नज़र नहीं आ रही। बेसिकली ऐसी गाड़ी नहीं रहती है, हम लोग इसका सीट कवर प्योर लेदर में बना रहे हैं, कम्प्लीटली प्योर लेदर में इंटीरियर बनने वाला है इसका। दो ट्रिम में भी लेदर होने वाले हैं, जो दो ट्रिम आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो मैं आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये लेदर का दो ट्रिम होने वाला है। ग्लॉस ब्लैक होने वाला है, पूरा इंटीरियर कस्टमाइज हो रहा है। ये अपना इनोवा क्रिस्टा कार का टॉप मॉडल है, जेड मॉडल है। जेड मॉडल में भी आपके पास अगर देख के गाड़ी बोर हो रहे हो तो आइए हमारे पास, हम आपको इस टाइप से गाड़ी बना के देंगे, स्पोर्ट्स कार। ये आप देख सकते हैं क्रिस्टा वाले की तो पूरी लाइन लगने वाली है। मैं हूं सलीम, केजीएन ऑटो, वासी नवी मुंबई। जैसा देख सकते हैं आज आपके सामने लाए हैं इनोवा क्रिस्टा कार। ये 4-5 साल पुरानी कार है, टाइप 1 इनोवा क्रिस्टा जो आई थी वही टाइप 1 इनोवा क्रिस्टा है। एक आउट प्रोफाइल से आप कार देख के बता सकते हैं कि ये कार में हमने क्या क्या काम किया। एक प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग का वर्क हुआ है, फ्रंट बम्पर को थोड़ा घस गया था तो पेंटिंग का वर्क हुआ है बम्पर का। ये जो डिटेलिंग में शाइनिंग आपको गाड़ी का आ रहा है आप देख सकते हैं। ड्यूल टोन में हमने कन्वर्ट किया है फ्रंट का, जो वाइट कंपनी का आता है 070 कलर कोड जो टोयोटा ने दिया है, ओरिजिनल कलर है। और उसके साथ साथ में ये पिलर आप देख रहे हैं ग्लॉस ब्लैक में जो किया है, डबल शेड में गाड़ी कलर करने के बाद कैसा लुक आ रहा। ये कोई विनाइल या PPF नहीं लगा है, ये प्रॉपर ग्लॉस पेंट हुआ है। तो एक ग्लॉस पेंट की खासियत हम आपको बता दें कि जब ड्यूल शेड में गाड़ी होता है तो उसका लुक एकदम अलग दिखता है। लुक में एक प्रॉपर डिटेलिंग का वर्क हुआ है। एक कार में साइड स्टेप लगाए हमने, आप देख सकते हैं जो इनोवा क्रिस्टा में लगने के बाद कैसा लुक आ रहा है। बॉडी का टच दिया है बॉर्डर को, जो एक सोबर दिख रहा है पायरी लगने के बाद, फुल स्टेप लगने के बाद। और बैक साइड से मैं आपको बताना चाहूंगा, रियर बम्पर भी पेंटेड है, आप देख सकते हैं कलर का जो कोड है वो मिला सकते हैं कि सेम टू सेम मैचिंग हुआ है। सो फ्रेंड, बैक साइड में आप देख सकते हैं एक स्पॉइलर की जो कंपनी फिटिंग करके स्पॉइलर आता है, एक वाइट कार में ब्लैक टच देने के बाद कैसा लुक आ रहा है आप इसको भी कमेंट में बता सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल लुक, ओरिजिनल डिजाइन, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। 2.4 मॉडल है, जेड वेरिएंट है, क्रिस्टा टॉप एंड वेरिएंट। और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं एक डबल शेड का जो लुक होने के बाद कैसा डिसेंट इंटीरियर और आउटलुक दे रहा है। ओरिजिनल इनोवा क्रिस्टा की जो टेल लाइट आती है बाई डिफॉल्ट वही रखा है, आफ्टर मार्केट है, कोई भी चीज़ हमने बदली नहीं किया, ना ही रिफ्लेक्टर लाइट बदली किया, ना ही पीछे का टेल लाइट। आप देख सकते हैं साइड में जो अलॉय व्हील्स आपको दिख रहे हैं, ये अलॉय व्हील्स को भी पेंटेड किया हमने बाई डिफॉल्ट। ये कार में जो ये मॉडल में आते हैं सिल्वर कलर में आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम इसका जो मेन पॉइंट है इंटीरियर की बात करेंगे। हम एक दो ट्रिम आप देख सकते हैं फ्रंट लुक से देख सकते हैं, एक दो ट्रिम जो हमने इसको प्योर लेदर में, आप ये ऑपोजिटी देख सकते हैं इसकी फिटिंग और फिनिशिंग, एक ब्रांड न्यू लुक जैसा दिख रहा है। जो कंपनी फिटेड आता है वो उसका तो वेलवेट का आता है। सीट कवर की फिटिंग और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि सीट कवर की फिटिंग और फिनिशिंग कितना जबरदस्त लुक आ रहा है उठ के। एक स्टेयरिंग कवर को लेदर रैपिंग किया है, आप देख सकते हैं स्टेयरिंग लेदर रैपिंग करने के बाद कैसा लग रहा है। गियर नॉब को हमने गियर नॉब बनाया है, आप देख सकते हैं गियर का जो कपड़ा आता है खराब हो गया था, रिप्लेस किया है। सो एक इंटीरियर, एक स्टैंड आउट, कोई भी इसमें ऑड ऑडिशन नहीं हमने किया है। एक 70 मैट, जो ऑटोटेक ब्रांड का 70 मैट आता है, ऑटोटेक ब्रांड का 70 मैट लगा है हमने।
तो इंटीरियर की मैं बात करूंगा, जैसा ओईएम सिस्टम कंपनी देता है टोयोटा, उसको हमने जरा सा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है। जो इंटीरियर में देता है कंपनी, उसको ही हमने टच आउट प्योर लेदर में दिया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है गाड़ी। और ये जो वुडन स्टाइलिंग किट हमने दिया है, कंपनी का जो टेक्सचर आता है वो अलग आता है। हमने ये जो चेंजेस किया है, आपको दिख रहा है ये 15 पीस का जो किट आता है कंप्लीट, ये पूरा किट रिप्लेस किया है, दूसरे शेड में हमने बनाया इसको। तो पूरा चेंजेस हो गया है, रियर का, फ्रंट का, सारा वुडन किट रिप्लेस करने के बाद एक एक जो फाइबर है, कंप्लीटली फाइबर को डिटेलिंग वर्क किया है। जो ये ब्रांड न्यू जैसा लुक आ रहा है आप देख सकते हैं, कोई ऑडी लाइट नहीं लगा है, शेडो लाइट नहीं लगा है, बट ये जो सिल्वर कलर आता है, बहुत सारी इनोवा क्रिस्टा में एक इशू है कि कंपनी का जो सिल्वर कलर आता है उस पर क्या होता है कि कलर निकल जाता है, फेड दिखता है। तो उसको हम लोग ने सेम ब्रांड सेम चीज को नया एक लुक देने के लिए सिल्वर कलर में ही दिया। तो सिल्वर कलर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डोर अपोस्टी दिख रहा है, डोर का डिटेलिंग दिख रहा है, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो काम हुआ है इसमें, एक दिल से जो मेहनत लगी है, हमारे वर्कर जो काम करे हैं इसमें, अपनी जान लगा के काम करते हैं कि इसमें फिटिंग और फिनिशिंग एकदम टॉप टू एंड तक आना चाहिए। एक एक चीज की मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगा कि इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त फिटिंग आ रही है। बैक साइड का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंटर में कैसा आपको लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं 7D जो मैट है, एक 7D मैट लगने के बाद कैसा लुक आ रहा है। सीट कवर की फिटिंग और फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसका जो 7 सीटर का विथ आर्मरेस्ट सीट कवर आता है, इस टाइप से कैसा फिटिंग और कैसा फिनिशिंग आता है। पूरा शेड का, पूरा पैटर्न का ओरिजिनल पैटर्न, ओरिजिनल डिजाइन बनाया है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि बैक साइड में भी इसका वुडन जो आज आता हम है उसको भी एक टच देने के देखेंगे बाद कितना डिसेंट लुक आ रहा है। सो एक एक चीज को बारीकी से नजर रखते हुए, जो रियर डोर का पैनल्स आप देखते हैं, बहुत सारी इनोवा क्रिस्टा में जब 4 साल 5 साल हो जाते हैं रूना, तो ये खराब हो जाता है, निकल जाता है कलर। आपको ऐसा ब्रांड न्यू लुक दिखना है तो ऐसा नजर आना चाहिए, ये आपको KGN ऑटो में लाना पड़ेगा गाड़ी। और इस टाइप से बता बता रहे हैं हम आपको कि बन जाएगा पूरा प्रॉपर। राइट का मैकविल दिखाना चाहूंगा। सो एक मैकविल का फिटिंग और फिनिशिंग, कलर का जो पेंट क्वालिटी यूज करते हैं, आप सामने देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है। हर एक चीज पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हुए ये गाड़ी में काम हुआ है, मेक क्योंकि जब माय कार। कस्टमर दिल से गाड़ी को बनाने निकलता है तो कुछ सोच के बनाता है कि हमारी गाड़ी बन रही है, एक ब्रांड न्यू लुक देना चाहते जब, तो इस टाइप से गाड़ी आपको बनाना पड़ेगा। और बाकी दूसरी गाड़ी तो बन रही है, जो आप ये राइट हैंड पे देख रहे हैं हमारे, ये इसमें भी हम लोग जो काम कर रहे हैं सेम प्योर लेदर सीट कवर का काम कर रहे हैं। तो ये इनोवा क्रिस्टा एक बन के जा रही है, अभी दूसरी इनोवा क्रिस्टा भी बन रही है। और इसके पहले की वीडियो आप में आपने देखा, जो इनोवा टाइप 1 को हम लोगों ने टाइप 3 में कन्वर्ट किया था, तो उसका भी वीडियो आपने पहले देखा ही है। तो आप इनोवा क्रिस्टा है आपके पास तो आप लेके आइए, इस टाइप से हम लोग काम की फिटिंग और फिनिशिंग एक एक चीज आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप और किस लेवल का काम है। आपने भी बहुत जगह पे सर्च किया रहेगा, बहुत वीडियो देखा रहेगा, ये एक वीडियो आप देखो और कैसा लग रहा है लुक, जरूर आप कमेंट में बताइए कि कैसा बना है गाड़ी। सो फ्रेंड, फाइनली ओवरऑल इनोवा क्रिस्टा का कंप्लीट वर्क हो चुका है। कार के ओनर से मिलाना चाहेंगे हम लोग। ईशान, हाय, हेलो, कैसे है? आई एम ऑल फाइन, आई एम ऑल फाइन, थैंक यू तो गाड़ी सो मच। कैसा बनाए हमारे व्यूवर्स को जरा बताना चाहे कैसा ओके बनाए गाड़ी। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक सलीम भाई, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम विद वेरी फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई डिसाइडेड टू मेक ओवर माय कार एंड आई डायरेक्टली कांटेक्ट सलीम भाई। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस वाज बिकॉज इसके पहले मैंने कभी ऐसे मेक ओवर वगैरह किया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सलीम भाई के साथ। एकदम काम, एकदम डिटेलिंग, एकदम स्पेसिफिक, एक एक चीज वो लोग ने निकाल हर के एक मेरे को चीज को बारीकी से बारीकी से डिटेल डिटेल में तरीके वो से मेरे को, ओरिजिनल लुक दिया। तो कुछ भी उनको डाउट आता है यूज्ड टू आस्क मी कि मैं ये करूँ क्या, मैं उसको अप्रूवल लेता था, उसके बाद ही वो करते थे हर एक प्रोडक्ट की चीज, वो मेरे को उसका डिटेल लेते थे फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते थे। होता है कि जब कस्टमर कोई ऐसा बोलता है बनाने के लिए कि मुझे टाइम है, वक्त है, तो हम लोग उस टाइप का काम करके देते कि एक ब्रांड न्यू लुक दिखे। तो इस टाइम से क्या होता है, कस्टमर भी सर्टिफिकेशन होता है कि अपने वो गाड़ी देखने के बाद 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी को हम इस टाइप नए लुक में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक नया लुक देखने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। और लोगों में हम जाके जब बात करते हैं तो वो चीज निकल के आती है अपने पास कि कैसा है।
तो ओवरऑल फाइनल रिव्यू में हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे आप? 10 में से 20 दिया मार्क्स। अरे वाह, शुक्रिया बहुत बहुत। सो फ्रेंड, आप भी अपनी गाड़ी बनाना चाहेंगे तो लेके आइए, प्लीज गाड़ी इस स्टेप से बनेगी, आप भी खुश होकर जरूर जाएंगे। थैंक यू सर वॉचिंग। यस, थैंक यू।